देखिए, मैं हरियाणा चुनाव का स्टार प्रचारक भी हूं और हरियाणा के लगभग 32 विधानसभा को टच किया। मैं जहां जहां गया और जिस जिसने पूछा हमसे, मैंने सबसे कहा कि देखो, ग्राउंड की सच्चाई कुछ अलग है। जो लोग बातें कर रहे हैं टीवी चैनल पे, ड्राइंग रूम में, उनकी बातों से जो मैं ग्राउंड पे देख रहा था वो मेल नहीं खाता है। कांग्रेस ने बहुत सारी साजिशें की इस चुनाव में, झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, तमाम उसमें खिलाड़ियों को शामिल कर लेना। देखिए, मैं हरियाणा चुनाव का स्टार प्रचारक भी हूं और हरियाणा के लगभग 32 विधानसभा को टच किया। मेरा मानना है, मैं जहां जहां गया और जिस जिसने पूछा हमसे, मैंने सबसे कहा कि देखो, ग्राउंड की सच्चाई कुछ अलग है। जो लोग बातें कर रहे हैं टीवी चैनल पे, ड्राइंग रूम में, उनकी बातों से जो मैं ग्राउंड पे देख रहा था वो मेल नहीं खाता है। और फरीदाबाद के क्षेत्रों में, इधर गुड़गांव के क्षेत्रों में, मैं जहां जहां भी गया हूं, उसके बाद हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में, मैं तो ऐसा सैलाब देखता था कि जो लोग बातें करते थे मुझे कंफ्यूजन हो जाता था। और मैं मानता हूं कि हरियाणा की जनता, अभी जो रुझान आ रहा है, मैं अभी फाइनल कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, ईश्वर हमेशा सुनता है और हमको अभिमान इसका नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी इसको अभिमान नहीं करती है, बल्कि जनादेश का सम्मान करती है। लेकिन हमें ऐसे रिजल्ट का पहले से रूपरेखा दिख रही थी। कन्फ्यूजन जरूर होता था जब हम कुछ लोगों की बातें सुनते थे, तो अभी यह स्पष्ट हो गया है कि आप कहीं कमरे में बैठ करके बात कर रहे हैं, उसमें आपकी बहुत सारी मनोदशा हो सकती है, मगर जनता, लोग जो हैं, वो काम करने वालों पे, सच्चाई के साथ चलने वालों पे, सबको साथ लेकर चलने वालों के लिए, और जो साजिश वाजिश में ज्यादा नहीं जाता है, अपशब्द नहीं बोलता है, उसके साथ चलने को तैयार है। और मैं बहुत सारे इलाकों, देखो हरियाणा में ना एक और फैक्टर है, वहां यूपी बिहार के बहुत सारे लोग हैं, और मैं अक्सर जहां वहीं जाता हूं जहां पूर्वांचल के लोग रहते हैं, उनका जो भाव देखता था मैं, वो देखने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल हमें उससे समानता दिख रही है। बाकी अंत तक यही रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता और हूं। जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे उसके बाद मनोज जी, कांग्रेस में एक तरीके से सीएम पद को लेकर घमासान शुरू हो गया था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अपने अपने अलग नाराज हैं, कुछ नहीं नाराज है, अब रिजल्ट बिल्कुल एक तरह से अलग आ रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो घमासान में थी ही, लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारी साजिशें की इस चुनाव में, झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, तमाम उसमें खिलाड़ियों को शामिल कर लेना, ये सब कुछ देखते हुए उनका घमासान सीएम पद के लिए है तो दिख ही रहा था। बल्कि आपस में उनके वरिष्ठ नेताओं का बहुत एक दूसरे के परस्पर विरोधी बयान भी आ रहे थे। लेकिन इससे अलग हटके हरियाणा का जो ये रुझान दिख रहा है, अभी भी मैं जो टीवी पे देख रहा हूं, 51 सीट बीजेपी के पक्ष में और वो 34 सीट उधर कांग्रेस के पक्ष में। नरेंद्र मोदी जी जहां जहां गए हैं, उन्होंने जिस तरह से लोगों से बातचीत किया और जो सच्चाई के साथ अपनी बात रखी है, नायब सैनी जी ने जिस विश्वास से लोगों से वोट मांगा है, उसका असर इस पे स्पष्ट दिख रहा है। मैं भाग्यशाली हूं कि सफर में मैं भी एक गिलहरी की तरह लगा हुआ हूं और मैं अंतिम रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ईश्वर सब ऐसा ही लग रहा, करे। प्रचार कामयाब हो गया जी, खुशी होती है कि इतना घूमे टहले संघर्ष। देखिए, इसमें तो शब्द नहीं होते हैं। हो सकता है कि जब पार्टी जीत रही हो तो
और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन जो एकदम ग्राउंड पे काम किया होगा, जो भी कार्यकर्ता जो सच्चे मन से लगा होगा, या जो कार्यकर्ता न हो कि नहीं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लिए सही है वो लगा होगा, उन सभी लोगों को जो खुशी हो रही होगी ना, वो आज शब्द में नहीं दिखेगी, उनकी आंखों में दिखेगी। धन्यवाद।